जी फिल्म ऑब्वियसली एक रोमांटिक हॉरर फिल्म है और मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर प्ले कर रहा हूँ जो एक बिजनेसमैन है और वो मॉरिशस आता है, वो कैसे एक लड़की से प्यार में पड़ जाता है एंड देन इतने हद तक प्यार में होता है कि ही इज़ रेडी टू एक्चुअली गो टू एनी लेवल एंड देर आर सर्टन स्पिरिट्स इन्वॉल्व विद द गर्ल जो उसके लड़की किसी एक जंगल में फंसी हुई है जो जिसमें कुछ भूत या स्पिरिट्स इन्वॉल्व हैं, उस चक्कर में ऑब्वियसली लड़की मना कर देती है इसको कि आप उसमें मत घुसो, लेकिन ही इज़ रेडी टू गिव हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगाने को तैयार है एंड वो उसमें घुस जाता है और वो उसका नाइट इन शाइनिंग आर्मर बनता है फिर और बेसिकली उसके बीच में मैं हितेन की हेल्प लेता हूँ, उसके बीच में मैं नीता की हेल्प लेता हूँ और हम मिलके अब वो लड़की को बचा पाते हैं या नहीं, ये आपको देखने के लिए कहानी देखनी है। एज अ फिल्म, मतलब फिल्म में जब सोनालिका आई और उन्होंने बताया तो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल एक्टर, तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि उनको मतलब पता है कि क्या है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये फिल्म है और फिल्म एक अलग तरीके से शूट होती है, टीवी थोड़े से अलग तरीके से शूट होता है, बट ऑन द होल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। जी टाइटल सांसे इसलिए क्योंकि जब आपकी बॉडी में कोई सोल आती है या जब आपकी बॉडी किसी स्पिरिट से बंधी होती है तो वो आपकी सांसों को रोक देती है। जी अभी हाल ही में आपने मुझे देखा होगा लाल रंग में, मैंने एक अपीयरेंस किया था तो वो एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, वो एक पुलिस ऑफिसर का था, SP गजराज सिंह, और वैसे पुलिस के और मिलिट्री के और स्पोर्ट्स रिलेटेड काफ़ी किरदार मैं करना चाहूँगा, जैसे अगर भाग मिल्खा भाग है तो वैसी एक फिल्म मैं करना चाहूँगा, सो ऐसे स्पोर्ट्स रिलेटेड और आर्मी रिलेटेड डेफिनेटली कुछ किरदार हैं जो मैं प्ले करना चाहूँगा। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो स्क्रिप्ट है, कि जब मैं कोई स्क्रिप्ट सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ वो ये है कि क्या यह स्क्रिप्ट मैं देखना चाहूँगा, मतलब क्या ऐसी फिल्म मैं देखना चाहूँगा, और अगर वो सही लगता है तो उसके बाद ऑब्वियसली मैं ये देखता हूँ कि उसमें मेरा रोल क्या है एंड अगर उसके बाद वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लकी मानता हूँ और ये भी मानता हूँ कि मैं बीच में ब्रेक नहीं लेता, जो ज़रूरी भी है, लेकिन आई थिंक अभी टाइम है काम करने का है तो काम करेंगे, अभी तो मतलब अभी तो है बहुत साल। थैंक यू सो मच।